हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और आ गए हैं हम रितु और के यहाँ से, और आते आते मैं ले आई हूँ पालक, क्योंकि मैंने बनानी थी सब्जी, तो आते आते ही यहाँ हमारे जो पास में दुकान है ना, उसी से सब्जी ले आई हूँ। तो आलू पालक की सब्जी बनाऊंगी, धो के रख दी है मैंने पालक। आंटी आ गई है। और अभी आंटी आ गई हैं, तो इन्होंने सूट सिलने दे रखे थे हमारे वाले टेलर को ही, दिल्ली से आई हैं आंटी। पहले भी आई थी, मैंने व्लॉग में भी आपको दिखाया था। तो आज भी ये सूट लेने के लिए आए हैं, सिल गई थी इनके सूट। और एक आंटी तो पहले भी आई थी लेने के लिए, लेकिन वो उस दिन है ना 11 बजे आई थी, तो जो सूट टाइट आ रहे थे ना, तो वो ठीक तो करवा नहीं पाई, तो सारे सूट यहीं रख गई जो टाइट थे। तो आज ठीक करवा के लाएंगे, अभी टेलर के यहाँ जाएंगे। और आज भी लेट ही आई हैं आंटी हम भी, जैसे आज रितु के गए हुए थे, तो वहाँ से फिर फ़ोन किया आंटी ने कि हम आ रहे हैं, तो हम भी फिर जल्दी आ गए, नहीं तो थोड़ी देर और बैठ जाते। तो हमने सोचा चलो आंटी आ रही हैं तो हम भी चलते ही हैं, तो हम जल्दी आ गए। और हमारे आने के थोड़ी देर बाद ही आंटी आ गई हैं। कैसा राम हो रखा आंटी जी? बिल्कुल लाल एकदम, देखियो। हाँ, कैसा हो रखा है? पार्क में जाने का तो टाइम कम बचा ना। पार्क में क्या टाइम हो गया? 7 बजे है वैसे तो। चल क्या हो, चल चलो, खाना बनाना था वैसे। वैसे अपन छोटे ने चक्कर मारे हैं। चलो कपड़े भी चेंज नहीं करती, बैग यहाँ अंदर ही रख दें। लो मम्मी और आंटी यार तो गई टेलर के यहाँ, क्योंकि उन्होंने सीट सूट सिलने दे रखे थे ना, दोनों जो आंटी दिल्ली से आई हैं, तो उनके सूट मतलब टाइट थे थोड़े से, तो वो खुलवा के लाएंगे। और जब तक आंटी आएंगी तब तक हम पार्क में घूमाते हैं, मैं और संतोष आंटी। चलो आप भी पार्क में चलो हमारे साथ घूमने, छोटा ही चक्कर काट के आएंगे, क्योंकि फिर आंटी आ जाएंगी, तो चाय पानी बनाना है मेरे को और फिर खाना भी बनाना है, पार्क में घूमना जरूरी है। तो आंटी का भी मन कर रहा है पार्क में घूमने का, तो वहाँ चलो घूम ही आते हैं। सुमित मैं जा रही हूँ, एक चक्कर लगा के आऊंगी पार्क का। ठीक है, मम्मी उधर गई पार, कोई नहीं, पार्क में घूम के एक ही चक्कर लगा के आए मैं और आंटी दोनों। मम्मी अभी तक नहीं आई है, क्योंकि उनको है ना तो चेक करने हैं सूट पहन के, देखेंगे फिर अगर कोई ढीला टाइट हुआ तो फिर उनको ठीक करवाएंगे, तो टाइम ही लगेगा। मैं अभी खाना बना लेती हूँ फटाफट अपना। और खाना बना दिया मैंने, रेडी कर दी है सारी चीजें, आटा भी गूंद के रख दिया, बस अभी रोटी खाएंगे ना तब रोटी बना दूंगी। सब्जी बन गई है, सैलेड वगैरह भी काट दिया है। और अभी मम्मी और आंटी यहाँ आ गई थी टेलर के यहाँ से, वैसे तो काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, खाना भी बना लिया, पार्क में भी घूम के आ गए, तो इतना टाइम लगा दिया, लग ही जाता है, क्योंकि सारे सूट ट्राई करके देखे और जो भी टाइट थे या ढीले थे वो ठीक करवाए, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। और ये तो टाइम मतलब अभी 8:30 बज गए थे, इस टाइम पे तो है ना टेलर दुकान बंद कर देता, आज तो टेलर को बोल के और तब खुली छुड़वाई है दुकान, भाई आज हम ठीक करवाएंगे, क्योंकि इतनी दूर से रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता, दिल्ली से आई है ये आंटी है, फिर इतनी दूर से रोज़ तो आया नहीं जाता, फिर टेलर को बोला हमने कि आज दुकान खोले रखना, हमारे सूट ठीक हो लेंगे ना तभी बंद करना, तो चलो सूट तो ठीक करवा लाए हैं। और अभी 8:30 बज गए हैं, मेरे को लगी हुई है भूख, तो मैं खाऊंगी अभी खाना। और अभी आंटीयर जा रही हैं, तो छोड़ आते हैं आंटीयर को। और आज तो है ना हमारा पूरा ही दिन ऐसे बिजी गया है, क्योंकि पहले रितुर के यहाँ चले गए और फिर आंटीयर आ गई थी, तो पूरा दिन आज हम पूरे बिजी रहे हैं। रसोई का तो लिया हमारा, रसोई का तो काम हो लिया, हूँ भी चला है इसी तो। सही पूछा तो 2-3 चक्कर कट गया, सिलवा भी यही सिलवाते है, सिलवा लिया वो टेलर बुला लिया था, सेल्फी गए इनके पहन के देख लिए, आता हम सिलवा लिया, चुंदड़ी मिली गिफ्ट में। याद भूल गए गिफ्ट लेता है, मेरी आग कपन नहीं धरी हूँ, मैं कर लूंगी, कदे भी सोचो नहीं मैं लेके चल पड़ी। चलो बाय 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 आंटी जी। और अभी है ना मैं वैक्स करने की सोच रही थी, तो मैं सोच रही हूँ अभी वैक्स कर लूँ। और ये मेरा जो वैक्स हीटर है, इसमें ये वैक्स डली हुई है, ये है रिका वैक्स, मेरी देवरानी लेके आई थी, एक डिब्बा लेके आई थी, और वो काफी दिन तक चल गया, हमने कई बार कर ली,
और फिर भी अभी इतनी बची हुई है और मेरा इसको करने का बिल्कुल मन नहीं करता क्योंकि ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ये करती नहीं हूँ, पहली बार ही लेके आई थी ना, वो भी मेरी देवरानी ले आई इसलिए मैं करने लग गई है। ये दो तीन बार कर ली शायद मैंने और मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इससे है ना एक तो चिपचिप रहती है बिल्कुल, और करने के बाद भी है ना तो जहाँ ये लगती है ना सारा तेल से साफ करना पड़ता है, और वैसे भी कहीं भी गिर जाए ना तो उतर के नहीं देती, सारा तेल लगा के तब बहुत टाइम लग जाता साफ करने में। और अब तो ये हीटर में डली हुई है ना तो सारा हीटर चिप चिप कर रहा है, इतना दुखी कर देती है ना। ये तो बाहर करवाए ना जब तो है सही, अपने आप से तो बिल्कुल नहीं होती, इतना चिप 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 रहता है, इतना मजा नहीं आता बिल्कुल भी। तो मैं ये नॉर्मल वैक्स करती हूँ अब तो, हम ये हनी वाली वैक्स लेके आए हैं, नहीं तो ज्यादातर मैं चॉकलेट वैक्स लेके आती हूँ तो वही करती हूँ चॉकलेट या हनी। तो मेरे को तो ये नॉर्मल वाली वैक्स ही अच्छी लगती है क्योंकि इनमें ना तो दर्द होता, ये सही रहती है, और इन्हीं की आदत पड़ रही है मेरे को तो, इसमें तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, सूट ही नहीं होती बिल्कुल, और करने में भी बड़ी मुश्किल है। तो ये थोड़ी सी बची है, अब इसको हीटर को गर्म करके इसको निकाल देती हूँ और अपनी ये वाली डाल के अभी वैक्स करूंगी। इतना तेल खत्म हो जाता है, अब हाथों पे ये लग गई ना तो ऐसे उतरेगी नहीं, कितना भी धो लो हाथों तो पहले तेल में रगड़ना पड़ेगा और फिर धोना पड़ेगा जब ये जाके उतरती है। और ये वाली वैक्स तो नॉर्मल है, थोड़ा सा पानी लगते ही उतर जाती है, तो इसका ये फायदा है। मेरे को ये रिका वैक्स बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब इसको निकाल लेती हूँ वैक्स को डिब्बे में से और धोके इसको धोके कहा तेल रगड़ के साफ करके और फिर ये वाली वैक्स भरूंगी। और कर दिया है मैंने वैक्स हीटर साफ, पर साफ करने में ना बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि इसमें रिका वैक्स थी ना, रिका वैक्स तो इतनी चिपचिपी है पानी से तो साफ होती ही नहीं, तो उसको मैंने तेल डाल के और इसमें डिब्बे में तेल डाल दिया था मतलब हीटर में, और फिर जूड़ने से साफ किया, और फिर जब वो सारी वैक्स उतर गई ना तो फिर मैंने साबुन से साफ किया था, तो इतना टाइम लग गया। बस अब इसमें ये वाली वैक्स डाल रही हूँ अन्नी वाली जो मैं अभी लेके आई थी, और अभी वैक्स करूंगी। और अभी है ना मैंने वैक्स की पूरी तैयारी कर दी थी वैक्स करने की, लेकिन आज मेरा वैक्स करना कैंसिल हो गया क्योंकि वो वैक्स जो नाइफ होता है ना वो मेरे को नहीं मिला, पता नहीं मैंने पिछली बार वैक्स करके कहाँ रख दिया, मेरे को ही नहीं ध्यान आ रहा, हर जगह मैंने ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। तो अभी देखती हूँ कल तक मिल गया तो आज तो कैंसिल हो गया, और वैसे भी अभी मैं लेट हो गई, काफी देर हो गई मेरे को नाइफ ढूंढते हुए, तो 11:15 बज गए हैं, तो मेरा अभी कैंसिल कर दिया मैंने सोचा अभी तो मैं कल ही करूंगी, आज नहीं कर रही, फिर मम्मी की भी करनी है तो एक बार बैठ के अपनी भी मम्मी की भी दोनों की कर दूंगी, तो अभी नहीं कर रही, देखते हैं अगर कल तक नाइफ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दुकान से लेके आऊंगी और फिर करूंगी नया ले आएंगे। और अभी हो गया अगला दिन सोमवार का दिन, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम हुआ है तो सभी को गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। और अभी मैं जा रही हूँ केले लेने यहीं पास वाली दुकान से, तो केले खरीद के ले आती हूँ भाई, गाय आगे से लेकर के रोटी ले आती हूँ, गाय को दे देती हूँ नहीं तो भाग जाएगी फिर। चल जा अब जाएंगे रे, चल चल आगे दे दे केले खरीद लेते, अभी तो झाड़ू लगाने लग रहा है दुकान वाला। केले कैसे दिए छोटे? 60 रुपए। तो ले आई हूँ केले, बस केले ही लेके आने थे और कुछ नहीं लेके आना था क्योंकि आज फास्ट है, तो इसलिए लेके आई।